रफ्तार पकड़ता जा रहा है। रोजाना शहर और ग्रामीण इलाकों के अलग अलग हिस्सों से पॉजिटिव मरीज चिन्हित हो रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है। लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर टेस्ट करवाया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वो लापरवाही ना बरतें। बीकानेर जिले में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें एक महीने में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों की, तो वो 200 के पार पहुंच गया है। वहीं इस महीने में 3 मरीजों की मौत हो गई है। जनवरी से अब तक बीकानेर जिले में 40 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता के कारण अभी तक हालात इतने विकट नहीं है, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव मरीज आए हैं उनका स्वास्थ्य सही है। सभी मरीजों का घर पर इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक जो गहन चिकित्सा सेंटर यानी MCH बनाया गया है, उसमें मात्र 2 ही मरीज भर्ती है, जो अन्य बीमारियों से भी ग्रसित है। कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, तो पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ कोविड के जो पेशेंट हैं, लगभग कोविड जो जाँच के बाद में अभी लगभग 20 के आसपास मरीज डेली आ रहे हैं, तो ये संख्या कभी बढ़ सकती है। पूरे हिंदुस्तान में अगर देश में देखें तो भी वहाँ भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो एक तो लापरवाही नहीं करें, सावधानी बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। लोगों को सतर्क और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर का कहना था कि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। वहीं स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील भी कर रही है कि लोग प्रोटोकॉल की पालना करें, मास्क का नियमित उपयोग करें। डॉक्टर गुंजन सोनी का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से जो पॉजिटिव मरीज आए हैं, सभी की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है, इसलिए लोगों को अभी पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत है। हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना और हाथों को सैनिटाइज करना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना और घर में भी ज़्यादा गैदरिंग नहीं रखनी है। बस ये जो संक्रमण है वो हवा से फैलता है और ये एक दूसरे ये परिवार में से एक दूसरे परिवार में जाता है, तो कोशिश ये करें कि आप भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं। बीकानेर में बढ़ते हुए कोरोना के मरीज को लेकर हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी को भी जागरूक रहने की जरूरत है। आम लोगों की लापरवाही कहीं अपने परिवार और साथियों को भारी न पड़ जाए। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।